हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट का चैप्टर लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक करेंगे क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर। ठीक है, कि एक गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, कि किसी एक पर्सन के अंदर क्या हो, कौन सी किया जा सके। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इसका इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो लीडर होता है वो एक ग्रुप का एक इंटेग्रल पार्ट होता है। ठीक है, ग्रुप से ही जुड़ा हुआ होता है और ग्रुप में से ही होना चाहिए। सो लीडर शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स। ठीक है, जिस ग्रुप का लीडर बनाया जाना चाहिए वो उसी ग्रुप का एक पार्ट हो। ठीक है, ही शुड बी वेल अवेयर अबाउट द इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स ट्रेडिशंस एंड रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसे इंस्टीट्यूशन के सभी रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, एप्टीट्यूड्स क्या है, ये सारी चीज़ की नॉलेज उसे होनी चाहिए। ही शुड ट्रीट लाइक जनरल पीपल, जनरल पब्लिक एंड शुड बी वेल अटैच्ड विद हिज टीम मेंबर्स। उसे एक जनरल पब्लिक की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, और वो टीम मेंबर्स से ही काफ़ी अटैच होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज सुपीरियॉरिटी ओवर द अदर मेंबर्स। सो लीडर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज सुपीरियॉरिटी ओवर अदर मेंबर्स। मीन्स उस पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसे जो मेंबर से थोड़ा सा अलग दिखाएं। ठीक है, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ही शुड बी बेरर ऑफ सच क्वालिटीज़ विद विच अदर मेंबर सपोज हिम एज अ सुपीरियर पर्सन। तो उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे जो उसके दूसरे मेंबर्स हैं उसे थोड़ा सुपीरियर माने अपने से। ठीक है, ही शुड नॉट यूज़ नेगेटिव साइड इन विच ही बिकम्स बायस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही लैक्स सच क्वालिटीज इन हिम। ठीक है, उसके अंदर कोई एक नेगेटिव साइड नहीं होना चाहिए। मीन्स उसका जो कोई भी डिसीजन हो बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपना डिसीजन ले। ठीक है, ताकि वो सभी के लिए अच्छा हो। थर्ड इज लव फॉर अ ग्रुप। अ गुड लीडर शुड हैव डीप लव विद हिज ग्रुप। ठीक है, जो भी टीम का लीडर होता है उसे अपने, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ग्रुप को लव करता है। ठीक है, ही शुड बी एक्टिव फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज टीम। वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए अपनी टीम के अच्छे के लिए। सिंस हिज क्वालिटी फॉस्टर इन अचीविंग द स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इट ऑल्सो पेज रिस्पेक्ट टू द टीम मेम्बर्स। ठीक है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए उसके प्रति सबके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, टीम मेंबर्स से। फोर्थ इज आइडलिस्ट। ठीक है, अ गुड लीडर शुड बी एन आइडलिस्टिक इन नेचर। इफ ही सेट एग्जाम्पल फॉर अदर इट विल सर्टेनली पोज गुड इम्पैक्ट ऑन द अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो जो एक ग्रुप लीडर होता है एक आइडलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो कुछ एग्जाम्पल सेट कर सके हम। ठीक है, कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए, किसी पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सो इट बिकम्स एसेंशियल दैट अ गुड लीडर शुड बी फुल्ली डिसिप्लिन इन नेचर। तो एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक गुड लीडर बिल्कुल डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है, और डिसिप्लिन में रहे और दूसरों को भी डिसिप्लिन में रहना सिखाए। फिफ्थ इज डायनेमिक एंड फ्लैक्सीबल। अ गुड लीडर शुड बी डायनेमिक एंड फ्लैक्सीबल इन नेचर। मीन्स उसको हर एक सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, वो हर सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल दे। ठीक है, ही शुड चेंज हिज बिहेवियर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द सिचुएशन। उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करना आना चाहिए। ही शुड बियर द आइडियाज़ ऑफ सिंपथी एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही कैन बिहेव प्रॉपरली कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उसे हर काम सिंपथी से लेना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसके अंदर जो आइडियाज़ होते हैं, कोई भी डिसीजन हो, वो सबके लिए इक्वल हो। ठीक है, और उसे ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, सो उसका होना चाहिए डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मींस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज हो। ठीक है, सिक्स्थ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज दैट ही शुड बियर एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मींस उसे दूसरों से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो जो भी बात बोले बिल्कुल ठीक ढंग से बोले। ठीक है, ताकि उसकी सारी बातें सारे लोग समझ सकें। ठीक है, ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड शुड बी अ गुड स्पीकर। उसे एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए और
जो भी उसे अपनी बात कहनी है उसे उसे अपने अच्छे ढंग में कहनी आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ सबको समझा सके। नो डाउट अ गुड लीडर कैन गाइड हिज टीम मेम्बर्स प्रॉपरली। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक गुड लीडर अपनी टीम को अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, ठीक है। सेवन्थ इज बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। बेसिक क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज हिज बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए वो एक बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ही इज मोर एक्टिव फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल लेवल देन द ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल लेवल के मुकाबले जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक गुड लीडर का। ही शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग लॉजिकल एंड प्रमोट डिसीजन अमंग हिज ग्रुप मेंबर्स विच हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ द डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके अंदर कुछ डिसीजन लेने के लिए लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो उसका डिसीजन हो वो सभी मेंबर्स के लिए अच्छा हो और सारे ही मेंबर्स उसके डिसीजन को माने, ठीक है। एट्थ इज ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो ईमानदार होना चाहिए और अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अ गुड लीडर शुड बी एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स हिज ड्यूटी, ठीक है, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे, हर काम समय पर करें और अच्छे से करें। ही कैन चार्ज हिज ग्रुप्स मेंबर्स विद दीज क्वालिटीज ओनली व्हेन ही हिमसेल्फ बियर सच क्वालिटीज, ठीक है। वो अपने टीम मेंबर को ये सारी चीज़ें तभी उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आएंगी उसके टीम मेंबर में जब वो ये सारी अपनी चीज़ें अपने अंदर चीज़ें लाएगा, ठीक है। अगर वो ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो भी ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। नाइन्थ, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। अ गुड लीडर शुड हैव द नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजी। एक गुड लीडर के अंदर साइकोलॉजी की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ही नीड्स टू ट्रेड विद अदर्स इन द ग्रुप मेंबर्स सो इट बिकम्स एसेंशियल दैट ही शुड बी ऑफ गुड नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। अब उसे क्या करना है, ग्रुप मेंबर के ग्रुप मेंबर में ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसको दूसरों को भी ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उसके पास दूसरों को जानने के लिए साइकोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटी ही कैन कोऑर्डिनेट विद हिज ग्रुप मेंबर्स। और अगर ये बेसिक क्वालिटी उसके अंदर होगी तो अपने वो ग्रुप मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। टेंथ इज पर्सनल अपीयरेंस। अ गुड लीडर शुड हैव द एबिलिटी टू बी गुड लुकिंग एंड अट्रैक्टिव इन नेचर सो दैट ही कैन मेक गुड इफेक्ट ऑन अदर्स। एक गुड लीडर गुड लुकिंग भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए नेचर में, ठीक है, ताकि वो अपने दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। साइकोलॉजिकली ही शुड बी फिट एंड शुड नॉट हैव एनी फिजिकल वीकनेस। वो फिट होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी फिजिकल वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ही शुड हैव गुड लाइफस्टाइल, गुड डाइटरी हैबिट्स एंड गुड वेयरिंग सेंस इन दिस सोसाइटी, ठीक है। एक उसका अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसका जो खाना पीना है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। इलेवेंथ इज क्लियर एंड प्लेजेंट वॉइस, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है एक कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो ए गुड लीडर शुड हैव द क्लियर एंड प्लेजेंट वॉइस सो दैट ही कैन इम्प्रेस अदर पीपल इन द सोसाइटी। वो जो भी बात बोले क्लियर बोले, ठीक है, बिल्कुल प्लेजेंट मीन्स आराम तरीके से आराम से बोले। दिस क्वालिटी हेल्प्स हिम इन अचीविंग द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। इससे जो हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ट्वेल्थ इज फ्रेंडली सिंपथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। अ गुड लीडर शुड ऑल्सो ऑलवेज बिहेव इन अ फ्रेंडली एंड सिंपथेटिक मैनर विद हिज सोसाइटी मेम्बर्स। जो भी सोसाइटी मेम्बर्स हैं, ठीक है, सो एक गुड लीडर वही है जो उनसे अच्छी तरह से बिहेवियर में फ्रेंडली बिहेव करे, ठीक है। उसका जो नेचर होना चाहिए सिंपथेटिक होना चाहिए, ठीक है, अच्छे ढंग से बात करें। ही शुड नेवर बी एंग्री एंड एग्रेसिव विद हिज सोसाइटी मेंबर्स एज इट मे डिक्रीज हिज लीडरशिप क्वालिटीज़। वो कभी भी गुस्सा ना करे, किसी भी बात पे एग्रेसिव ना हो, ठीक है, तभी वो एक सोसाइटी मेंबर में उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है वो डिक्रीज नहीं होगी। थर्टीन इज ट्रूथफुलनेस पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। ट्रूथफुलनेस पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक गुड लीडर सच्चा होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, हर काम के काम में पेशेंस होना चाहिए, किसी भी काम को करते समय वो जल्दबाजी ना करे, उसके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं गुड लीडर के अंदर।
अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कंसिडर हिम एज अ रोल मॉडल, जो दूसरे मेंबर्स होंगे उसके ग्रुप के वो उसे एक रोल मॉडल मानेंगे। समटाइम्स द कंडीशन बिकम क्रिटिकल एंड इन दैट केस लीडर हैज़ टू पुट कंट्रोल ऑन हिम। कभी कभी जो कंडीशंस होती हैं काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं, ठीक है, किसी केसेस में, तो उसे अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इफ़ ही बियर सच क्वालिटीज़ ही कैन अचीव द डिज़ायर्ड मोटिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो उसके जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटिव्स हैं इंस्टीट्यूशन के, वो अचीव होंगे। 14th इज इम्पार्शियल थिंकिंग। अनदर क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज़ हिज इम्पार्शियल थिंकिंग। ही शुड कोऑपरेट विद हिज फेलो बींग्स, जो उसके साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। इफ़ ही कीप्स इन माइंड द आइडियाज़ ऑफ बायस्ड एटीट्यूड, ही कैन नॉट डू जस्टिस विद द टीम मेंबर्स एंड कैन नॉट अचीव द एम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर वो किसी एक के हक में फैसला लेगा, ठीक है, बायस होगा उसका एटीट्यूड, तो वो कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता अपने टीम मेंबर्स के साथ, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्टीट्यूशन के एम्स हैं, वो कभी अचीव नहीं कर सकता। रिसोर्सफुल एंड इनिशिएटिव। अ गुड लीडर शुड बी रिसोर्सफुल एंड इनिशिएटिव इन नेचर, ठीक है। ही शुड बी कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग द कंडीशन इन हिज पाथ एंड शुड गिव प्रैक्टिकल शेप टू हिज प्लानिंग, ठीक है। मीन्स उसका जो कोई भी एक इनिशिएटिव हो किसी भी चीज़ के लिए, वो एक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रिसोर्सफुल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपने प्लान में कामयाब होगा, ठीक है। ब्रॉड आउटलुक। ब्रॉड आउटलुक इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, बिकॉज इट इज़ ओनली थ्रू हिज दिस फीचर ही कैन मेक गुड कोऑपरेशन विद हिज टीम मेंबर्स, ठीक है। उसका जो आउटलुक होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अपने टीम मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन में काम करेगा, ठीक है, और उसका जो कोई भी डिसीजन होगा वो सारे उसके जो टीम मेंबर्स होंगे वो मानेंगे। ही शुड बी फ्री फ्रॉम नैरो माइंडेडनेस, ठीक है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी डिसीजन में बायस हो जाए। ही शुड एक्ट अपॉन ब्रॉड आउटलुक इन ए लॉजिकल मैनर, ठीक है। सो अगर हम लॉजिकली बात करें, उसका जो आउटलुक होना चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू मैनेज एंड डायरेक्ट, ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ताकि वो हर चीज़ को मैनेज कर सके सही ढंग से, ठीक है। सो ताकि जो उसकी जो टीम है कोई भी काम करे उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रख सके, उनको मैनेज कर सके, ठीक है, दूसरों पर नज़र रख सके, ठीक है, कि वो उसके अंदर एबिलिटीज़ क्या है, क्या वो कर सकता है। इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें मैनेजमेंट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो एक गुड लीडर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए मैनेजमेंट की, ठीक है, ठीक है। इट इज़ ओनली थ्रू अ गुड लीडर हु कैन इफेक्टिवली डू हिज ड्यूटी इन दिस डायरेक्शन। एक गुड लीडर ही इसके लिए इफेक्टिवली काम कर सकता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये थी गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, ठीक है। चलिए एक बार इसके सारे पॉइंट्स दोबारा रीड कर लेते हैं। इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ग्रुप। सेकेंड, सुपीरियॉरिटी ओवर द अदर मेंबर्स। थर्ड, लव फॉर अ ग्रुप। फोर्थ, आइडियलिस्ट। फिफ्थ, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। सिक्स्थ, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेवन्थ, बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल लेवल। एट्थ, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। नाइन्थ, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। टेंथ, पर्सनल अपीयरेंस। इलेवेंथ, क्लियर एंड प्लेजेंट वॉइस। ट्वेल्थ, friendly, sympathetic and understanding. 13th, truthfulness, patience and self-control. 14th, impartial thinking. 15th, resourceful and initiative. 16th, broad outlook. 17th, ability to manage and direct. ठीक है, इसकी आगे भी कुछ qualities दे रखी हैं, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा short में पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको 17 बता दी है, इनमें से आप कोई भी attempt कर सकते हैं, ठीक है। सो 18th है आपकी पंचुअल, वो अपने टाइम जो भी उसका जो काम हो वो टाइम लिमिट के अंदर कर सके, ठीक है, और वो अपना जो काम है कंटिन्यूटी उसमें बना के रखे। 19th, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें हर एक काम को करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, सभी वो काम सेल्फ कॉन्फिडेंस से करें, ठीक है। 20th, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक अच्छा लीडर वही है जिसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, ठीक है, मीन्स वो किसी भी बात को ऐसे सीरियसली मतलब सीरियस कंडीशन में ना ले, ठीक है, सभी काम को अच्छे ढंग से करे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर।
आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, ठीक है। सो दिस इज़ डन फॉर टुडे, दैट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। थैंक यू।